Hello, everyone, and a very warm welcome to Siksha. So, guys, this is Agriculture Static MCQs Lecture 6. Okay, so let us quickly start discussing this. एग्रिकल्चर क्वेश्चन के लिए आई बी पी एस सफ ओ नबाद किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लीज गो एंड गिव अट टू इट स्पेशली जो आईबीपीएस के बच्चे पेपर दे रहे हैं इस बार नए टेस्ट रेगुलरली इसके अंदर एड हो रहे हैं ओके एंड टेस्ट फॉर्म में है पहले आप को सॉल्व करेंगे उससे क्या होता है प्रैक्टिस हो जाती है कॉन्फिडेंस भी आता है आइडिया लग जाता है कितनी तैयारी हुई है कितनी नहीं हुई है एंड फिर आपको सोल्यूशन उसके मिलते हैं तीन सौ रुपए में आपको आफ्टर कोड ये पढ़ता है कोर्स सो डेफिनेटली वर्थ इट है पहला क्वेश्चन है जी पैक्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नबार्ड वर्क्स एट द ग्राम पंचायत एंड विलेज लेवल इन पैक्स ए स्टैंड फॉर तो सिंपल सा क्वेश्चन है बाकी तो सिर्फ देखो उसने सिर्फ पूरी कहानी डाली हुई है कि ग्राम पंचायत और विलेज लेवल पे काम करता है नबार्ड यह सब अपने को जरूरत नहीं थी वो सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि पैक्स जो है इसमें ए क्या है ठीक है फुल फॉर्म में ए क्या है ऑप्शन ए ए क्रेडिटेड बी एग्रीकल्चर सी एसेट डी एडवाइजरी ई एबिलिटी तो सिंपल क्वेश्चन है ठीक है अगर नबार्ड के बारे में पढ़ा हुआ है तो सिंपल क्वेश्चन है और पैक्स की जो फुल फॉर्म आ जाएगी दोस्तों व्हाट विल बी इट इट इज एग्रीकल्चर ठीक है पैक्स में ए क्या होता है एग्रीकल्चर तो पैक्स की फुल फॉर्म होती है दोस्तों प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी तो ये चारों आपको याद होने चाहिए पी ए सी एस वो फुल फॉर्म पूरी भी पूछ सकता था वो ये भी पूछ सकता था कि पैक्स की फुल फॉर्म क्या है नीचे चार ऑप्शंस दे देता पांच ऑप्शंस दे देता ठीक है एंड बेसिक यूनिट में आता है स्मॉलेस्ट जो क्रेडिट कॉपरेटिव इंस्टीट्यूट है नबार्ड का वो है एंड इसकी जो मेन फैसिलिटीज ये बेसिकली पैक्स प्रोवाइड करता है एक तो कैश की फॉर्म में आपको आ, ये स्मॉल लोन्स प्रोवाइड कर सकता है ठीक है उसके अलावा जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है हायरिंग बेसिस के ऊपर जो परचेज नहीं कर सकते स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ की सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों भारत नेट प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत नेट प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है ऑप्शन ए फ्री वाईफाई टू स्टूडेंट्स इन रूरल रूरिया ऑप्शन बी हाई स्पीड इंटरनेट टू फार्मर्स ऑप्शन सी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ग्राम पंचायत ऑप्शन डी अ प्रोजेक्ट कनेक्टिंग रूरल एरियाज विद अर्बन एरियाज एंड ऑप्शन ई इज नन ऑफ दी अब तो आपको बताना है कि भारत नेट प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है ओके okay. स्कीम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड द राइट आंसर ओवर हेयर गाइज विल बी ऑप्शन सी ग्राम पंचायत जो हैं उनको बेसिकली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है तो भारत नेट प्रोजेक्ट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और इसके अंदर जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा इसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के ऊपर जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसको भारत सरकार ने सेटअप किया है कंपनीज एक्ट नाइनटीन के अंडर इसकी हजार करोड़ की ऑथोराइज वैल्यू है एंड बेसिकली ये जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा ये तय किया गया कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस के ऊपर कोई किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हुए और अफोर्डेबल रेंज के अंदर होना चाहिए टू एम से ट्वेंटी एमबीपीएस स्पीड सब घरों को प्रोवाइड करनी है ग्राम पंचायत के अंदर एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकोम्युनिकेशन इसका ओवरऑल काम देखेगी ठीक है जी नेशनल ऑप्टिकल uh, जो ये आपका भारत नेट प्रोजेक्ट है ना 2015 में पंद्रह से पहले इसका नाम होता था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क एंड प्रोजेक्ट तो अब इसका नाम चेंज करके भारत नेट प्रोजेक्ट किया गया था और जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका खर्चा कहां से आएगा इसका खर्चा एक फंड से लिया जाएगा और वो फंड जो है वो सरकार ऑपरेट करती है उस फंड का नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में से वो सारा पैसा जो है यूज किया जाएगा भारत नेट प्रोजेक्ट के टोटल तीन फेजेस हैं बेटा तीन फेजेस के अंदर क्या है कि सबसे पहले फेज में बोला था इन्होंने कि एक लाख ग्राम पंचायत को हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देंगे दिसंबर 2017 तक दूसरे के अंदर इन्होंने कहा कि बाकी के जो बच्चे हुए हैं उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है जिसके अंदर हम फाइबर लाइंस प्रोवाइड करेंगे मार्च 2019 तक और थर्ड फेज़ आपका जो प्रेजेंटली चल रहा है 2019 से 2023 तक का ये प्रोजेक्ट है और इसके अंदर जो भी रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स होंगी उनको प्रोवाइड किया जाएगा फ्यूचर प्रूफ नेटवर्किंग होगी ताकि नेटवर्किंग ज़्यादा खराब ना हो ठीक है एंड जो उसकी स्टॉपेजेज हैं वो कम से कम होनी चाहिए वो यहाँ पर कवर की जाएंगी दो से दो तक में थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ दोस्तों नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली डेवलपमेंट ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड ई इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन किसने लॉन्च किया है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है ठीक है जी 2011 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका मेन एम क्या था कि कैसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जा सके जो रूरल जो पुअर लोग हैं वो अपनी हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज कर सकें लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज कर सकें और कैसे फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक्सेस उनका इंप्रूव किया जा सके चलिए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ हाउ मेनी पैरामीटर्स आर कवर्ड टू एग्जामिन सोइल न्यूट्रिय अंडर द दॉल हेल्थ कार्ड स्कीम जो सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम है इसको हमने पहले भी काफी डिटेल के अंदर डिस्कस किया है जो एग्रीकल्चर स्कीम वाली डिस्कस किया है, तो है टारगेट करती है ऑलरेडी मैंने आपको आंसर बता दिया है ऑप्शन दिखाने से पहले ही ठीक है तो बारह पैरामीटर्स इसके अंदर होते हैं वो बारह पैरामीटर्स कौन से होते हैं वो देख लेते हैं ओके सो बारह पैरामीटर्स जो इसके अंदर आ जाते हैं उसमें Uh, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिय में तो एनपी के आ जाएगा नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिय में सल्फर आ जाएगा सो दिस इज थ्री प्लस वन ठीक है उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिय में आपका जिंक आयरन कॉपर मैंगनीज और बोरॉन आ जाएगा पांच ये हो गए थ्री प्लस वन प्लस फाइव ओके उसके बाद कुछ फिजिकल पैरामीटर्स आ जाएंगे जिसमें आपका पीएच ओके okay, उसके बाद ईसी ये जो है फिजिकल पैरामीटर्स आ जाएंगे दिस विल बी थ्री तो ये कितने हो गए आपके बेटा तीन प्लस एक चार चार और पांच नौ नौ और तीन बारह तो ये बारह पैरामीटर्स हैं ये याद रखना है वो डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता था फॉर एग्जांपल वो डाल दे दैट विच अमंग द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट कवर्ड अंडर द हेल्थ कार्ड ठीक है ऑप्शंस में दे दे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम ठीक है डी ऑप्शन फॉर एग्जांपल आपको दे दे मॉलिपडेनो डी ऑप्शन फॉर एग्जांपल आपको मोलिब्डेनम दे देता और ई e ऑप्शन दे देता पीएच तो आंसर क्या होता मोलिब्डेनम ठीक है तो इस तरीके से भी क्वेश्चन डेफिनेटली वो पेपर में पूछ सकता है इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ सिंपल सा क्वेश्चन है रोटेशन ऑफ क्रॉप मींस ऑप्शन ए ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन टू मेंटेन सोइल फर्टिलिटी ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन ओके सम क्रॉप्स आर Grown अगेन एंड अगेन ऑप्शन सी टू और मोर क्रॉप आर ग्रोन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑप्शन डी इज नन ऑफ तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों देखो जो सम आर अगेन एंड अगेन ये तो सोलो क्रॉपिंग हो गया है ना इसके अंदर आप कोई रोटेशन तो कर ही नहीं रहे तो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता टू और मोर क्रॉप आर ग्रोन साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली मतलब कि एक साथ ग्रो कर रहे हो सेम पीरियड के अंदर तो ये तो मिक्सड क्रॉपिंग हो गया ना ठीक है ये तो मिक्सड क्रॉपिंग हो गया या डबल क्रॉपिंग हो गया ट्रिपल क्रॉपिंग हो गया ठीक है इसके अंदर क्योंकि आप एक साथ ग्रो कर रहे हो ठीक है एक ही फील्ड के ऊपर ऑल राइट रोटेशन ऑफ क्रॉप क्या होता है जब आप फॉर एग्जाम्पल एक आपने क्रॉप uh, ग्रो कर ली राइस ग्रो कर लिया उसके बाद आप नेक्स्ट सीजन में लेग्यूम क्रॉप ग्रो कर रहे हो पल्सिस ग्रो कर रहे हो ताकि जो न्यूट्रिय uh, जो नाइट्रोजन वगैरह सॉइल से यूज हुआ है वो रिचार्ज हो सके है ना तो रोटेशन ऑफ क्रॉप क्या होता है जहां पर आप डिफरेंट क्रॉप को सक्सेशन में यानी कि एक के बाद एक अलग अलग क्रॉप को ग्रो कर रहे हो सेम क्रॉप को बार बार नहीं लगा रहे हो वो आपका रोटेशन ऑफ क्रॉप होता है सो ए विल बी द राइट आंसर है विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर गाइस एंड आई होप आपको मजा आया होगा कोई भी डाउट हो टेलीग्राम व्हाट्सएप कमेंट मेल कुछ भी कर सकते हैं आप एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय